मैं समझता हूँ कांग्रेस का बहुत बड़ा एज है पूरे प्रदेश के अंदर हमारे क्षेत्र ये में। एज जो हम बोल रहे थे वो एज नजर क्यों नहीं आया लोकसभा में, क्योंकि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधा सा नाम पूछने वाली बात ही नहीं है, कोई इसमें शक थोड़ी है। जो आदमी डिजर्व करता है बीजेपी भी बोल रही है कि भाई कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है तो दलित लीडर को क्यों नहीं मौका देते। अगर ऐसा हुआ तो हुड्डा साहब अगर दीपेंद्र हुड्डा को आगे लाते हैं उनको सीएम बनाते हैं तो कांग्रेस में तो ऐसा है ही नहीं ना। हरियाणा विधानसभा चुनाव की दिलचस्प लड़ाई है। पहली बात तो ये है कि 10 साल हो चुके हैं कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए दान सिंह है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। महेंद्रगढ़ की सड़कों पर हैं हम इस वक्त। सर जायजा ले रहे हैं, आप ये बताइए कि मुकाबला आपका किसके साथ है महेंद्रगढ़ से? देखिए हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। आज कांग्रेस इस परिस्थिति के अंदर है कि पूरे हरियाणा के अंदर जबरदस्त बहुमत के साथ में सत्ता बढ़ने जा रही है और लोगों को इस बात की अभी तक कोई सोच भी नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी मुकाबले में आ सकती है। अब ये और भाजपा में तो रामविलास शर्मा है, पहले तो सोचा कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे फिर उन्होंने फिर कर दिया। अब आप मानते हैं कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है और असली लड़ाई जो है वो भाजपा के साथ है? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए भाजपा तो क्योंकि सेकंड पार्टी तो भाजपा ही है, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो जो भी लड़ाई रहेगी वो तो आने वाले समय में कैंडिडेट्स के ऊपर तय की जाएगी। अभी अभी कभी विड्रॉल हो लिया है, उसके बाद में अभी उसके बाद में स्क्रूटनी हो चुकी है, अब विड्रॉल के बाद में अब इलेक्शन कंपेन बेसिकली अब स्टार्ट होगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस का बहुत बड़ा एज है पूरे प्रदेश के अंदर हमारे क्षेत्र। ये एज जो हम बोल रहे थे वो एज नजर क्यों नहीं आया लोकसभा में, क्योंकि आप भी खड़े हुए और फिर खास तौर पे अगर हम बात करें 5 सीटें तो बीजेपी खुद भी ले गई और 5 कांग्रेस को आई, तो ऐसा लग रहा है कि 19-20 की लड़ाई है, बहुत ज्यादा अंतर। कोई 19-20 की लड़ाई नहीं, पिछली बार ये सीट हारी 4.5 लाख से ऊपर वोटों से और अब की बार हारी है सिर्फ 20,000 लेफ्ट से राइट होने के मार्जिन पे। इस बात का अंदाजा लगा ले 21% वोट कांग्रेस के पक्ष में बढ़े हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और आप लोगों ने मन बना लिया है कि 10 साल के भाजपा की जो सरकार रही है बड़ी निराशाजनक रही है, उन्होंने जो वादे किए थे वो एक भी काम पूरा नहीं हुआ, उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। उन्होंने बेरोजगारों को मायूस किया है, किसान जवान नौजवान उन्होंने किसी का लिहाज नहीं रखा है, न उनके हक और अधिकार की कोई। लिहाज से मुझे ख्याल आया कि हम बात करें कि इस बार लड़ाई क्या वही वाली बात है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है? आप लोग तो हुड्डा वर्सेस शैलजा कैंप तो लगातार ही चलता रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेस वर्सेज बीजेपी नहीं है, भाजपा वर्सेज कांग्रेस है और इसके अंदर कोई आपस की हमारी पार्टी का कोई मतभेद नहीं है, 100% हम मिलकर। पहले तो एसआर के कैंप था तो चलो एसआर के कैंप में से एक तो चले गए, है ना? वो ये परसेप्शन आप लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग नहीं मानते इस बात को। पर आप मुस्करा रहे हैं तो इसका मतलब तो है ही है। नहीं नहीं, कांग्रेस एक है और कांग्रेस हमेशा एक होके लड़ती है। चुनाव से पहले देखिए टिकट वितरण होता है, उसमें किसी को टिकट दी जाती है, उसके पीछे कुछ सर्वे किए जाती हैं, कुछ एनालिसिस किए जाते हैं। उस किरण चौधरी गई और काफी कुछ बोल के गई, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से। ये आप किस तरह से देखते हैं पार्टी फंक्शनिंग पे, क्योंकि जिस तरह से सीटें हुई हैं कई हद तक बोला जा रहा है कि ज्यादातर लोग हैं आपको भी टिकट दी गई, वो हुड्डा साहब के कहने पे दी गई। देखिए ऐसा ऐसा नहीं, मेरी बात जहाँ टिकट वितरण का सिस्टम है पार्टी का अपना एक आधार है, वो पहले PCCC स्क्रीनिंग वगैरह करके उसके आधार पे देती है, जो डिजर्विंग होता है, जो विनेबिलिटी होती है, दैट इज द क्राइटेरिया, उसके आधार पे दे दी जाती है। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो कांग्रेस ने की हो, यही सभी पार्टियां करती हैं कि जीत का लक्ष्य रख के काम करती हैं। और आज हरियाणा के अंदर जो एक तरह से मैं कहूँगा कि कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन अगर हम बात करें सीएम पद की, अब तो दावेदार हैं आप, भूपेंद्र हुड्डा भी हैं, कुमारी शैलजा भी हैं, वैसे तो सब जानते हैं आप किसका नाम लेंगे, पर फिर भी आप बता दीजिए दर्शकों को कि किसको देखना चाहते हैं आप सीएम। देखिए ऐसा है, जो 10 साल की 10 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम के जो तरक्की और विकास के काम हुए हैं, खास तौर पर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं होगी, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आपने देखी होगी, उसी टाइम पे आई है फ्लाई ओवर नाम देख रहे हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधा सा नाम पूछने वाली बात ही नहीं है, कोई इसमें शक थोड़ी है। हाँ, जो आदमी डिजर्व करता है इसमें कोई बात ही नहीं है। ऐसा तो वो भी बीजेपी भी बोल रही है कि भाई कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है तो दलित लीडर को क्यों नहीं मौका देते हैं? दलित लीडर को मौका पार्टी हाईकमांड समझेगी तो पार्टी हाईकमांड लेगी फैसला, लेकिन लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, लोगों की जो मंशा है वो पीछे काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के देख के उसके आधार पे किए हुए कामों की बात लिख रहे हैं, तो उस आधार पे काम कर रहे हैं वो।
उसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है, अच्छे काम। बाकी जो पार्टीज हैं आप उनको कैसे देखते हैं? NLO है और उसके बाद भाजपा है, फिर हम बात करें आम आदमी पार्टी है। उनमें कुछ नहीं, उनका कोई नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ उनका कोई देखना। आप पीछे क्या रहा था, 0.78 एक पार्टी का आया, 1.8 दूसरी पार्टी का आया, ये उनकी वोटिंग परसेंटेज रही है, तो उससे अंदाजा लगा तो उनका क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा परफॉर्मेंस क्यों रहा? इनकी परफॉर्मेंस लोगों ने देख लिया, मन बना लिया उन्होंने, अब ये हम जो है ना कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टीज का स्टेक है, रीजनल पार्टीज आपको लगता है? यस बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ये आप बताइएगा कि मुद्दे हैं वो आप क्या लगता है कि मुद्दा कौन कौन सा है इस बार? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, डेवलपमेंट है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी है। आज इन्वेस्टमेंट कहीं है नहीं, सरकारी नौकरियां है नहीं, 2 लाख हरियाणा के अंदर पोस्टें खाली पड़ी हैं। केंद्र के अंदर फौज ने अभी अग्निवीर योजना दे दी, तो फौज की तरफ से भी हमें मायूसी मिली है, और इसी तरह से उन्होंने सभी नौकरियों के प्रति इस तरह की बातें रखी हैं, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा हमको देखना पड़ा है। तो लगता है कि आपका पहला पड़ाव आ गया है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कैंपेनिंग में क्योंकि जोर अभी पकड़ा जा रहा है, आप देखिए कि किस तरह से अब छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी होंगी, लोगों के घर भी जाएंगे, तो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। हरियाणा तक से बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दान सिंह जी जो कि हमसे बात कर रहे थे, वैसे तो राव इंद्रजीत जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे या बाकी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो उनकी भाजपा का अपनी कार्य प्रणाली है, भाजपा के नेता है, उसके लिए क्या बोलेंगे? परिवारवाद नहीं आप बोलेंगे उनका, वो परिवारवाद कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। परिवारवाद की बात के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो अपनी नीति बनाई थी कि हम परिवारवाद के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आज ये देख लें आप जिस तरह टिकटों का वितरण किया है उन्होंने, उसकी परिवारवाद के जो अपने पैमाना था उसको ब्रेक कर दिया, तो इनका मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी कथनी और कर तो मगर अगर ऐसा हुआ तो हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा को आगे लाते हैं, उनको सीएम बनाते हैं, तो कांग्रेस में तो ऐसा है ही नहीं ना। हम तो पहले भी कहते हैं अगर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है तो इसमें गलती क्या है? पार्टी देखती है कि आदमी डिजर्विंग है, तो उसके अंदर उसका मतलब किस तरह से आप उसको नेगेटिव कहेंगे? दीपेंद्र एक्सेप्टेबल होगा? देखिए बिल्कुल, जब पार्टी हाईकमांड आदेश करेगी तो बिल्कुल होगा, एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होगा। शैलजा जी के बारे में बोलेंगे तो? शैलजा जी के बारे में बोलेंगे तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे, कौन मना कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं, नहीं। हाँ तो ये बात क्या है, हाई कमांड के ऊपर जब है कोई बात तो हाई कमांड अपना फैसला लेगी। हम शासित सिपाही होने के नाते जो आदमी विधायक बन के आएंगे, ऊपर से डायरेक्शन आएगी तो उसके मुताबिक बात करेंगे, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस जो है ना जिसकी एज चीफ मिनिस्टर देखी गई, तो भूपिंदर सिंह, आपने भूपिंदर हुड्डा का नाम लिया, लेकिन अगर भूपिंदर बाप बेटे में से कोई आपको चूज करना तो किसको चूज करें? देखिए ऐसा है, ये फैसला तो एक बार हाई कमांड लेगी, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा सीनियर है, मैं समझता हूँ अनडिस्प्यूटेड लीडर है, और उसके मैं पूरे हरियाणा में आशा और अपेक्षा है, उसके बाद भी हाईकमांड जो फैसला करेगी तो हाईकमांड हमें कहेगी, उसके मुताबिक हम बात करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश के अंदर चारों तरफ घूम करके इस कांग्रेस को उठाने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक कोने से दूसरे कोने में एक व्यक्ति मुझे बता दिए जो भूपिंदर सिंह हुड्डा दीपेंद्र के अलावा इस तरह से पूरे प्रदेश को कवर किया हो, तो एज ए लीडर शैलजा जी रणदीप सुरजेवाला, देखिए वो शैलजा जी रणदीप सुरजेवाला ने अपने एफर्ट्स किए वो बाद में किए, ये पिछले 10 साल से कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया इन्होंने, और ये भी संकेत दे दिया कि किसको वो चाहते हैं, कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। और दान सिंह जी जो हमसे सीधा बात कर रहे थे, कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, महेंद्रगढ़।